लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान में शामिल बीवीडी यूनिवर्सिटी की तकरीबन 100 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय के बस और एम्बुलेंस के जरिए राम मनोहर लोहिया और चंदन अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया। इसी के साथ मामले पर लोहिया अस्पताल के मीडिया प्रभारी एपी जैन ने बातचीत में बताया कि बीवीडी यूनिवर्सिटी की कुल 38 छात्राएं देर रात और सुबह 4 छात्राएं लोहिया इमरजेंसी अस्पताल लाई गई, जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। फिलहाल इलाज के बाद सभी छात्राएं स्वस्थ बताई जा रही हैं। ये बीबीडी जो विश्वविद्यालय है वहाँ की छात्राएं थी, और जैसा बताया जा रहा है कि ये कल कोई फाउंडेशन डे था इनका, स्टार नाइट थी, उसके बाद ये खाली उन विशेष छात्राओं का ही मामला नहीं है जो यहाँ लाई गई है, पूरा संपूर्ण विश्वविद्यालय की स्टार नाइट थी। उसके बाद संभवतः कुछ समूह छात्राओं ने कहीं बाहर सामूहिक भोजन सामग्री ग्रहण करी, जिसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, जिसे हम लोग अपनी डॉक्टरी चिकित्सकीय भाषा में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। 38 छात्राएं रात के वक्त लाई गई, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, और जैसा कि हमारी लोहिया संस्थान की कड़े प्रशासन व्यवस्था के बाद जो अभी दीर्घ चिकित्सकीय उपचार व्यवस्था है, खासतौर से आपातकालीन व्यवस्था, वो एकदम दुरुस्त है, सुचारू तौर पर है, सदैव तत्पर रहती है उपचार के लिए, उनका पूरी तत्परता से इलाज किया गया। कोई भी केस गंभीर नहीं था, सभी को प्राथमिक उपचार और आवश्यकता अनुसार उपचार के बाद घर भेज दिया गया। उसके बाद आज भी अपराह्न काल में 4 छात्राएं आई थी, वो भी फूड पॉइजनिंग की थी, उसी प्रकरण से संबंधित थी, उनको भी प्राथमिक उपचार के बाद लगभग 2:30 बजे के करीब वापस भेज दिया गया। उसके बाद का अभी तक की स्थिति में कोई और प्रकरण सामने नहीं आया है। नहीं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि संभवतः आप ही मीडिया बंधुओं के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि संभवतः 4 हॉस्टल हैं, 800 छात्राएं हैं। अगर ऐसा होता तो समस्त छात्राओं को समस्या आनी चाहिए थी। ये होता है, अब स्टार नाइट के बाद आमोद प्रमोद के लिए कहीं रास्ते में रुका होगा कुछ एक सर्टेन सेक्शन, कुछ एक वर्ग, तो एक वर्ग विशेष में हुआ है, पूरे विश्वविद्यालय का प्रकरण नहीं है। कुल कितने लोग सर यहाँ पे इलाज के लिए आए? 38, जैसा कि मैंने कहा, 38 किशोरियाँ रात को आई थी, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और 4 छात्राएं आती हैं। नहीं, सब बीमार नहीं हुई हैं, वो पूरे विश्वविद्यालय में तो बहुत छात्राएं हैं, 800 तो 4 हॉस्टल में और भी होंगी संभवतः। ये कुछ एक वर्ग विशेष छात्राएं थी जिन्होंने कहीं और अन्य जगह अन्यत्र कुछ भोजन सामग्री ग्रहण की और वो फूड पॉइजनिंग की। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।